सिंगल मॉल्ट विस्की, ये विस्की की वो कैटेगरी है दोस्तों जो इन दिनों हैशटैग ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है। लोग इस विस्की के पीछे, इस कैटेगरी के पीछे अलग ही दीवाने हो गए हैं। मतलब कई लोगों ने तो यार क्लब्स भी बना लिए हैं सिंगल मॉल्ट विस्की के, और वहां पे सिर्फ जो सिंगल मॉल्ट विस्की के लवर्स हैं वही आपको मिलेंगे, वही आपको दिखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो पिछले कुछ सालों से एक अलग ही चार्म हो गया है सिंगल मॉल्ट विस्कीज का। मतलब स्कॉटलैंड, आइलैंड, ये फेमस थे सिंगल मॉल्ट विस्की प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अब हमारा इंडिया भी पीछे नहीं रहा है, पूरे दमखम के साथ सिंगल मॉल्ट विस्कीज प्रोड्यूस कर रहा है। और उसी दमखम के साथ मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के आज के हमारे सिंगल मॉल्ट भरे एपिसोड के अंदर। और आज मैं जो विस्की आप लोगों के लिए लेके आया हूं रिव्यू करने के लिए, अनबॉक्स करने के लिए, वो विस्की थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड धूम मचा चुकी है ऑलरेडी। और विस्की का नाम है पॉल जॉन ब्रिलियंस इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की। देखिए दोस्तों, आज मेरे पास पूरी बॉटल नहीं है, आज मेरे पास मिनिएचर ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम मिनिएचर से ही इस विस्की का रिव्यू कर देते, बिकॉज मेरे को 30 ml पैक की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिव्यू के लिए, और मेरे पास तो यार 50 ml पैक है, तो मैं दो रिव्यू कर सकता हूँ इजीली आराम से इस विस्की से। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस विस्की की खूबी के बारे में। और इस विस्की के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, अनपीटेड सिंगल मॉल्ट विस्की। अब आप लोगों का सवाल होगा कि यार ये अनपीटेड क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, अनपीटेड मतलब नॉन स्मोकी। और एक सवाल अब और आप लोगों के दिमाग के अंदर आया होगा कि यार ये जो स्मोक का फ्लेवर है कहाँ से आता है। देखिए, स्मोक का फ्लेवर आता है विस्की के अंदर मॉल्ट्स को प्रिपेयर करते टाइम, जब मॉल्ट्स की प्रिपरेशन चलती है उस टाइम पे स्मोक का फ्लेवर आता है। चलिए और थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर हम मॉल्ट्स को ड्राई करते हैं पीट फायर से, तो होता क्या है, जो मॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर है वो आ जाएगा, और वो स्मोकी फ्लेवर रहेगा एंड तक, इवन डिस्टिलेशन प्रोसेस के जाने के बाद भी। जब वो विस्की आपके ग्लास के अंदर आ जाएगी तब भी आपको स्मोक का फ्लेवर महसूस होता रहेगा। लेकिन अगर हम मॉल्ट्स को सिर्फ जो हॉट एयर है उससे ही ड्राई कर देंगे, तो उसके अंदर स्मोक का कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा, स्मोकी नेचर नहीं रहेगा उसके अंदर। और सेम वही चीज़ हमारी पॉल जॉन ब्रिलियंस के अंदर भी है, इसलिए इस विस्की का नाम रखा गया है अनपीटेड सिंगल मॉल्ट, बिकॉज इसको ड्राई नहीं करा गया है, इसके मॉल्ट्स को पीट फायर के थ्रू। चलिए टाइम आ गया है इस विस्की को टेस्ट करने का, इसका रिव्यू करने का। तो सबसे पहले इस मिनिएचर को मैं खोल लेता हूँ, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा जिससे कि इसकी जो सील है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इस मिनिएचर को हम ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा 30 ml पैग हमारे ग्लास के अंदर आ गया है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। कलर इस विस्की का कॉपर कलर है, जैसा कि आपको मेरे ग्लास के अंदर दिख रहा है। बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस विस्की को प्रेजेंट किया गया है। और चलिए नोजिंग चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग क्या बोल रही है इस विस्की की। स्वीट फ्रेग्रेंस है, उसके अलावा जो जूसी बाड़ले हैं उसके भी मेरे को नोट्स मिले हैं इस विस्की के अंदर। हिंट ऑफ सिनेनम और रेड बेरीज भी मेरे को फील हो रही है इस विस्की के अंदर से, लिटिल बिट ऑफ हनी ऑल्सो। और साथ के अंदर मुझे बहुत ही कम, मतलब फेंट नोट्स ऑफ जो स्पाइसेस है वो भी इस विस्की के अंदर मिल रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं दोस्तों, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे नोजिंग नोट्स है इस विस्की का, बहुत ही अच्छा आरोमा है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया गया है इस विस्की को। स्वीट है, और स्पेशली स्वीट के अंदर भी, स्वीटनेस में भी मेरे को जो कैरेमल है, जो चॉकलेट है, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर महसूस हो रहा है इस विस्की के अंदर। और स्टार्टिंग के अंदर तो जैसे ही मैंने इसका सिप लिया तो मेरे को ये विस्की स्पाइसी लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर मैं बात करूँ मिड की, तो ऑरेंज का जो टेस्ट है, ऑरेंज के जो फ्लेवर है मेरे को वो फील हुए हैं इस विस्की के अंदर। चलिए थोड़ा सा और टेस्ट कर लेता हूँ। और जो हनी है, हनी लाइक स्मूथनेस भी मेरे को इस विस्की के अंदर फील हो रही है, थोड़ी क्रिस्पी भी है विस्की, जो बहुत अच्छी लगी मेरे को। और
अगर मैं बात करूं फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की की रहेगी स्मूथ विथ हिंट ऑफ स्पाइसेस एंड वनीला। अब देखिए दोस्तों, एक और स्पेशलिटी है इस विस्की की। इस विस्की की बॉटल पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा नॉन चिल फिल्टर्ड। अब ये नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की क्या होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की मतलब सारे नेचुरल जो कंपोनेंट्स है, विटामिंस, मिनरल जो भी है, वो सब इसी विस्की के अंदर है, उनको बाहर नहीं निकाला गया है। और ये प्रोसेस क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो विस्की का कलर है, उसकी अपीयरेंस है, उसको बहुत अच्छा करने के लिए चिल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारना पड़ता है। उसके अंदर विस्की का जो टेम्परेचर है वो ड्रेस्टिकली डाउन करते हैं और उसके बाद सारे एलिमेंट्स उसमें से हटा देते हैं। और हटाने के पीछे जो रीज़न वो ये है कि जो विस्की है वो क्रिस्टल क्लियर दिखे, बहुत साफ दिखे, अपीयरेंस अच्छी दिखे। और अपीयरेंस कैसे पता लगता है हमें, जैसे आप वाटर या फिर आप आइस ऐड करेंगे तो एक क्लाउडी कलर हो जाएगा। क्लाउडी कलर होते ही आप समझ जाइए कि यार ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं गई हुई है। लेकिन अगर आइस और वाटर ऐड करने के बाद भी, मतलब अगर जो कलर है विस्की का वो बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है, क्लियर है, इसका मतलब चिल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू गई है विस्की। लेकिन ये वाली विस्की नहीं गई है चिल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब सारी बढ़िया बढ़िया अच्छी चीज़ें, सारा अच्छा टेस्ट, मिनरल्स, विटामिन सब आपको इस विस्की के अंदर मिल जाएंगे। और वो बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को इस विस्की की। अगर बात करें अल्कोहल बाय वॉल्यूम की, तो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है इस विस्की का 46%। और प्राइस इस विस्की की है राजस्थान के अंदर 5815 ओनली, 5815 रुपये के अंदर ये विस्की आपको मिल जाएगी। ओनली तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, कई लोग बोलेंगे यार इतनी महंगी विस्की है और तुम ओनली बोल रहे हो, लेकिन यार इसका जो टेस्ट है और इसका जो अपीयरेंस है विस्की का, मतलब सारी चीज़ इस विस्की के अंदर ओवरऑल बहुत अच्छी, तो यार जस्टिफाई करती है ये कॉस्ट तो इस विस्की की। चलिए, एक और सिंगल मॉल्ट विस्की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो गई है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली विस्की ट्राई करिए, बिकॉज इंडियन विस्की है, सिंगल मॉल्ट विस्की है। और कहते हैं ना कि दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो एक बार तो इस विस्की को ट्राई करना बनता ही है। और ट्राई करने के बाद आप मुझे बता दीजिएगा कि ये विस्की आपको कैसी लगी। और मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि आपको ये विस्की बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही शानदार लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल के अंदर बहुत सारी विस्कीज का रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए व्हील्स ऑफ विस्की को। तब तक जाता हूँ, जल्दी जाता हूँ और जल्दी आऊँगा एक नई विस्की को लेके आप लोगों के लिए अनबॉक्स और रिव्यू करने के लिए। तब तक दुआओं के अंदर याद रखना, गुड बाय एंड चीयर्स।